मॉर्निंग दोस्तों, मैं प्रणय और गाइनकर्स के एक जबरदस्त एपिसोड में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है। आज हम कुछ सेटअप लगाने जा रहे हैं, एक सुंदर सा सेटअप। जैसे आपको पता होगा, मैंने कुछ कॉकटेल हमने परचेज किए थे कुछ टाइम पहले, तो देखा जाए तो उसी का काम आसपास ख़त्म हुआ है और लगभग हमने कुछ टाइम क्वारंटाइन करने के बाद उनको अभी फ़िलहाल सेट किया है। अभी आप देखें, मैंने जिस तरह से सेट किया है, इस तरह का केज का सेटअप किया है मैंने। एक केज के अंदर हमारे दो कॉकटेल रहने वाले हैं। ओके, ये देखिए आप, उसी तरह से यहाँ पर दो दो दो। ओके, तो इस तरह से हमने 12 पेयर, 12 और एक पेयर यहाँ पर है जो कि दोनों मेल्स है, ठीक है। उस वजह से इनके लिए, दोनों के लिए फीमेल्स तलाश करना शुरू है, अगर किसी के भाई के पास एक्स्ट्रा कोई फीमेल्स हो। क्योंकि मेरी गलती की वजह से, मेरी बोले या फादर की गलती की वजह से हमारे 4 कॉकटेल उड़ गए, सो उस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होगा। क्योंकि मेरी क्लोज्ड एवियरी नहीं है फिलहाल, तो उस वजह से काफ़ी मुश्किल हो गया है। एक कनूर का पीस उड़ गया, उसके बाद एक अफ्रीकन लवबर्ड उड़ गया, 4 कॉकटेल उड़ गए। काफ़ी नुकसान होता है अगर आपके पास मास्टर केज ना हो। तो जैसे कि आपको पता है, मास्टर केज का हमारा काम चल ही रहा था, तो उस वजह से अभी फ़िलहाल हमने सारे जो कॉकटेल है, हमारे एक शेड है यहाँ पर मेरे पास, वहाँ पर हमने फ़िलहाल सेट किए हैं। उस वजह से यहाँ पर मैंने एक छोटी सी फिंचेस की कॉलोनी भी बनाई है, उसके बारे में आपको डिटेल्स में भेज दूंगा, या तो उस पर एक वीडियो आ जाएगा। बट फिलहाल ये जो सीन है, ये सीन रहेगा कॉकटेल के ऊपर। और अभी जितने भी आप, लगभग आपको पता होगा मेरे पास 17-18 पेयर्स थे टोटल, इन टोटल। सो उनमें से मैंने अभी फ़िलहाल 12 पेयर्स सेट, मतलब कन्फर्म 12 पेयर्स हो गए हैं, और उसके बाद और 2 मेल एक्स्ट्रा। सो इस तरीके से हमने सेट किया है। और जैसे कि आपको पता है, मेरा जो फंडा है वो ये रहता है, मेरा क्या, सबका ही रहना चाहिए, कि जहाँ पे भी आप सेट कर रहे हो वहाँ पर सबसे पहले आपको मेल्स को छोड़ देना है, मेल्स को बॉक्सेस के साथ छोड़ देना है। तो जैसे आपको पता होगा, ये बॉक्सेस मैंने यूज़ किए हैं, और ये केज, एक केज के अंदर 2 पैर मेरे रहने वाले हैं। ओके, सो आप अभी जितने देख रहे हैं, 2 2 2, इसमें भी 2 मेल्स, इसमें ये दोनों मेल, और इसमें भी ये दोनों मेल। सो लगभग पूरे 6 केजेस में 2 2 करते हुए हमने मेल सेट किए हैं। ओके, सो इस तरह का छोटा सा सेटअप है। मैंने फीडर्स बाहर से लगा दिए हैं ताकि मुझे मेडिसिन और मल्टीविटामिन चलाने में आसानी हो। सो कैल्शियम और मल्टीविटामिन कॉन्स्टेंट चलेगा, क्योंकि कॉकटेल का भी सीज़न शुरू होने वाला है। सो उस वजह से उनको बेटर क्वालिटी, ये मेरा मिक्सड जाता है रेगुलर, ये जो है मेरा मिक्सड, ये कॉकटेल, अफ्रीकन के भी कुछ बच्चे हमारे पास, बच्चे मतलब सेमी एडल्ट बोलिए, एडल्ट बोलिए, जो तैयार हो रहे हैं वो आके रुके हुए हैं, तो उनको भी हम ब्रेड पे लगाएंगे। सो इस तरह का सेटअप हमने अभी लगाया है कॉकटेल के लिए, इसी के ऊपर हमें ये खास वीडियो बना रहे थे। अभी अगर आप सोचें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल्स है, ये जैसे कि आपको पता होगा मेरा पुराना बात करने वाला मेल, साइज देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे अभी सेट हो चुके हैं, अभी रेडी टू ब्रीड, मतलब आसपास कुछ इसमें ब्रीडर कुछ रेडी टू ब्रीड है। सो अभी देखते हैं किस तरह का रिस्पांस मिलता है हमें और किस तरह के हम सेटिंग करते हैं। अब ये तो मेरे पास केजेस पड़े थे, इस वजह से हमने 2-2 पेयर करके सेट किए। अगर कॉकटेल सक्सेस दे जाता है तो हम बढ़ा देंगे आगे भी। सो इस तरह के कुछ, और अगर आपको देखा जाए तो मेरे पास सारे ही अभी इस वक्त कॉमन म्यूटेशन है, मैंने ना कुछ खास म्यूटेशन लगाई है, और कॉमन मीन सिर्फ पाइड है उसमें ज़्यादा का, बाकी ग्रे एंड लुटिनो ज़्यादातर ये मिलेंगे, एक लुटिनो पॉल में भी है। सो इस तरह का हमने लगभग 12 पेयर से यहाँ पे सेट किए, और 2 मेल, वो जो एक्स्ट्रा 2 मेल थे वो तो है, ठीक है। सो ये केज के बारे में मैं आपको डिटेल्स बता दूँ, ये लगभग मैंने स्लॉटेड एंगल में मैंने बनाया है। इसकी डिटेल्स भी आपको बताऊँ कि ये ऐसा लगभग 4 फीट है, ऐसा इसकी हाइट लगभग 2.5 फीट है,
ओके, और डीप में 20 इंचेस है। सो 20 इंच काफ़ी हो जाता है फॉकर टेल के लिए। ये सफिशेंट है एक बड़े कनूर के लिए, या तो छोटे कनूर के लिए भी ये साइज़ एकदम सफिशेंट है केज का साइज। इसमें आपके 2 पेयर कॉकटेल के आराम से ब्रीड कर जाएंगे, काफ़ी खुश रह सकते हैं। अगर आप लाइफ टाइम भी नहीं इसमें रखते हैं तो भी काफ़ी खुश रहेंगे, ठीक है। सिर्फ बॉक्सेस निकाल देना पड़ेगा ऑफ सीज़न आपको, उसके बाद काफ़ी हैप्पी रहेंगे। बॉक्स के बारे में कुछ डिटेल्स दे दूँ आपको। बॉक्स इसका लगभग मैंने 1 फिट हाइट का यूज़ किया है, ठीक है। 1 फिट हाइट है, 9 इंच डीप है और 9 इंच ऐसा है, ओके। सो हमने थोड़े बड़े बॉक्सेस यूज़ किया कॉकटेल के लिए, क्योंकि इनका अगर एवरेज, इनका जिसका प्रीवियस एवरेज देखा जाए तो 3 बच्चे 4 बच्चे ये सारे सिलेक्टेड प्लेयर्स हैं। सो उस वजह से हमें रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं इनका। सो देखते हैं किस तरह का हमें रिजल्ट मिलता है और किस तरह के पेयर सेट होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, मैं स्टार्टिंग में जो मेल्स एक साथ छोड़े हैं, सो अभी यहाँ पे आसपास सेट हो गए हैं, काफ़ी बातचीत करने लग गए हैं, अभी एक्टिव काफ़ी हो गया। अब गर्मी जस्ट शुरू होने वाली है और अभी मैं कॉकोडाइल को ब्रीड पे लगाता हूँ, ये मेरा फंडा है। आप शायद कुछ और सोचते हो, जिसके सेट हो गए वो तो ठीक है, बट मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, कॉकोडाइल जितना ज़्यादा गर्म होगा, ह्यूमिड होगा, उतना तगड़ा ब्रीड करेगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको इनकी फीमेल्स दिखाता हूँ, हमने कहाँ सेट किया। अभी सॉफ्ट फूड देके हो गया है, सॉफ्ट फूड में सिर्फ मॉर्निंग चला था, उसके बाद दिन भर मिक्सड रहेगा, ठीक है। मॉर्निंग अभी लगभग 11 बजे का टाइम है, तो सुबह 7 बजे से 11 बजे तक वो सिर्फ सॉफ्ट फूड खाते हैं, उसके बाद अभी दिन भर ये मिक्सड खाएंगे, ओके। तो अभी आपको दिखाता हूँ किस तरह की फीमेल्स है, ओके। तो दोस्तों, इस तरह की फीमेल्स हमने सेट की है, लगभग यहाँ पर 12 फीमेल्स है जो प्रॉपर लग चुके हैं फीमेल्स के साथ, और इन्हें सिर्फ कुछ दिन का हमने रेस्ट दिया था जानबूझकर, क्योंकि अभी प्रॉपर सीजन शुरू होने वाला था। और कॉकटेल, जैसे कि आपको पता है, प्रॉपर समर में ही ब्रीड करेगा और बहुत अच्छे बच्चे निकाल लेता है। इनको ह्यूमिडिटी ज़्यादा पसंद है और बच्चे काफ़ी मतलब अच्छे से पाल लेते हैं इस सीज़न के अंदर। भले लगे तो आप देखें तो फिर एक बार कॉकटेल सेट हो गया तो फिर तो 12 ही महीने करेगा, बट अगर प्रॉपर आप देखा जाए तो वो समर से स्टार्ट करता है, उसके बाद फिर आगे बढ़ता है ब्रीड करना। सो इसी तरीके से 12 की 12 फीमेल हमारे पास है, और लगभग आप देखें तो लुटेनो ज़्यादा है। लुटेनो ज़्यादा मेरा रखने का मकसद यही है कि जनरल पब्लिक जो जो फर्स्ट टाइम हॉबिस्ट है, उनको ये कलर काफ़ी पसंद आता है। सो उस वजह से मुझे सेल करने में दिक्कत नहीं जाती है, बच्चे के हैंड फीडिंग बच्चे हैं वो भी जल्दी ही सेल हो जाते हैं। सो उस वजह से हम ज़्यादातर हमने कॉमन जो लुटेनो है, जो क्रीम कलर बोलते हैं, वही हमने ज़्यादातर रखे हुए हैं। इस तरीके से बच्चे भी हमें वही ज़्यादा मिलने वाले हैं, जिसे हमें सेल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो दोस्तों, इस तरह से अभी हम छोड़ते हैं, देखते हैं किस तरह का हमें रिस्पॉन्स मिलता है। तो दोस्तों, अभी हमने छोटे एक ट्रैवल केज में इन सारों को ही पकड़ लिया है। अभी सीन ऐसा है कि ज़्यादातर फीमेल्स हमने मार्क करके रखी है, जो जिसके साथ पेयर लगे हैं, और अभी देखते हैं किस तरह से इनका पेयरिंग लगा है। क्योंकि देखिए, अभी पकड़ते हुए मुझे कार्ड भी लिया है एक ने, और इनका बाइट फोर्स, जो एडल्ट रहेंगे ना कॉकटेल, इनका बाइट फोर्स इतना ज़बरदस्त रहता है, क्या बताऊँ आपको। मतलब अच्छे अच्छों से, मतलब बहुत नोकीली चोच रहती है इनकी, और अच्छा खासा काट सकते हैं। तो देखिए आप, इसमें एक ही खास मेरे पास लुटेनो पर्ल है, जो मैं मेरा पुराना मेल है उससे लगाया, बट मैं सोच रहा हूँ इसे पाइड के साथ पेयर लगाऊँ। तो इस तरह की पेयरिंग देखते हैं, प्रोग्रेस भी आपसे शेयर करूँगा, क्योंकि यार प्रोग्रेस तगड़ा मिलता है समर्स के अंदर। तो देखते हैं किस तरह से हम आगे बढ़ते हैं और पेयर्स को लेके, अभी तो सेट करता हूँ, उसके बाद ये थोड़ा टाइम लेंगे पेयर बनाने के लिए, बट मुझे लगता है काफ़ी टाइम से अलग है तो काफ़ी जल्दी ही ये पेयर बनाने वाले हैं, और मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। देखते हैं इनका रिस्पॉन्स कैसा आता है। और तो दोस्तों, अगर वीडियो को अब तक देख लिया है तो एक लाइक ज़रूर बनता है, क्योंकि अभी हमने और वीडियोस रेगुलर आना शुरू करने वाला है, क्योंकि अभी सेटअप का काम चल रहा है। देखिए आपने, क्योंकि मेरे तो बाकी सारे बर्ड्स अभी फिलहाल बाहर है, सेटअप का काम चल ही रहा है। एक बार सेटअप लग जाए उसके बाद हम सारे बर्ड्स अंदर डालेंगे। मेल सारे एक्साइटेड है, मेल सारे कॉल दे रहे हैं फीमेल्स के लिए, उनको पता चल चुका है फीमेल्स आ चुकी है करके। और अभी एक ये पाइड की फीमेल मैंने छोड़ दी है, मुझे एक पाइड की फीमेल जस्ट मिली है, तो वो एक मेल के साथ, और ये एक जो पाइड का मेल है उसके साथ हम पर्ल की जो फीमेल है हमारे पास, वो हम सेट करेंगे। जल्दी इनका भी हमें प्रोग्रेस देखने मिलेगा। तो दोस्तों, अभी चले, रिलीज तो कर दिए हैं हमने,
और देखिए आप दो 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 करते हुए सेट हुए हैं। इसके बाद रिस्पांस भी काफ़ी सुंदर रिस्पांस देखने को मिल रहा है, सारे मेल एक्साइटेड हैं फीमेल्स के लिए। दोस्तों कॉकटेल का सीन ऐसा होता है कि ज़्यादा ये शो ऑफ नहीं करते हैं, लगभग यहाँ वहाँ से उड़ना कूदना फादना नहीं रहता है इनका, उनका रॉयल काम रहता है, समझ लो बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं रहेगा। मेल आप जैसे देख सकते हैं धीरे धीरे फीमेल के पास जाएगा, इस तरह से कॉलिंग देगा और फीमेल को इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा। जैसे आप देखिए बुलुटिनो का पेयर वहाँ पे सेट हो रहा है और ये ग्रे का पेयर यहाँ पे सेट हो रहा है, इसी तरीके से सारे ही पेयर धीरे धीरे अभी सेट हो जाएंगे और प्रोग्रेशन काफ़ी जल्दी देखने मिलेगा। क्योंकि इसका राज ये है, क्योंकि मैंने सबसे पहले मेल्स को काफ़ी दिन तक अकेला रखा था, सो अभी इतने ज़बरदस्त हीट पे आ गए होंगे मेल और एक्टिविटी मैं अभी देख ही पा रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। मेल एक्साइटेड भी है फीमेल्स आने के बाद और जल्दी ही ब्रीड करना स्टार्ट करें, क्योंकि इनमें ऐसा होता है कि मेल सबसे पहले जाएगा बॉक्स पकड़ने के लिए, बाकी बर्ड्स के अलावा, बाकी बर्ड्स में इस तरह का सीन नहीं होता है। पहले मेल जाएगा अपना बॉक्स सेट करेगा, उसके बाद फीमेल को वो अंदर अलाउ करेगा कि और सब सेफ है। और लगभग दोस्तों 4 से 5 अंडे हमें मिलेंगे और उसमें से देखते हैं कि फर्टिलिटी कितने। ये जो पेयर्स मैंने जितने ये देखे हैं, जो हमने सेट किए हैं, कुछ फ्रेशर्स हैं और कुछ जो पेयर्स जो ऑलरेडी ब्रीडर्स हैं उनका एवरेज जो क्लच साइज़ है वो लगभग 3 से 4 बच्चों का है। तो उसी तरीके से मैंने पेयर्स रखे हुए हैं जिनका एवरेज मुझे पता है 3 से 4 मिल सकता है, सो वही हमने पेयर जान के सेट किए हैं। क्योंकि एक क्लच से हम चाहे तो अच्छा प्रोग्रेस देखना पसंद करें एक बॉक्स, क्योंकि बॉक्स भी हमने बड़े लगाए हैं, लगभग 1 फुट के हाइट का बॉक्स है और अच्छे बड़े बॉक्सेस हैं कॉकटेल के हिसाब से। तो दोस्तों प्रोग्रेस अभी कैसी मिलती है वो भी आपसे शेयर करते हैं। और अगर दोस्तों अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट अगर आपने अभी तक नहीं किया तो एक कमेंट ज़रूर बनता है ताकि आपको प्रोग्रेस आगे देखने मिले। जैसे कि आप देख ही सकते हैं लगभग अभी हार्डली 10 मिनट हुए और यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलना शुरू हो गया है बर्ड्स का, और बर्ड्स काफ़ी हेल्दी है और काफ़ी एक्साइटेड भी है पेयरिंग के लिए। अभी लगभग हमने पेयर देखना तो शुरू मिल भी गया है और अभी शायद हमें अंडे भी देखने मिल जाए जल्दी ही। अगर जल्दी ही प्रोग्रेस मिलता है तो आपसे बहुत ही जल्द शेयर करूँगा मैं। और अगर कोई नया भाई अगर स्टार्ट कर रहा है कॉकटेल को लेके तो हम इनका डिटेल्ड एक वीडियो बनाएंगे खाने पीने के ऊपर, मैं एग्जैक्टली किस तरह का फूड रूटीन चला रहा हूँ, किस तरह का मल्टीविटामिन चला रहा हूँ वो देखने, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको देखने मिला, उससे मुझे रिजल्ट क्या मिलते हैं वो भी आपको देखने मिलेगा। दोस्तों कीप वॉचिंग एंकर स्पार्क और जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत खास होने वाला है।